फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भगवान बौद्ध की जीवनी नहीं पढ़ी, पढ़ी होती तो ऐसा नहीं करते। हम बता दें कि बुधवार वाले दिन दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रोग्राम के अंदर ये शपथ दिलाई थी कि हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। इस पर हमने रविवार की सुबह 11 बजे गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी से हमने बात की तो उनका कहना था कि राजेंद्र पाल गौतम ने ये ठीक नहीं किया, उन्होंने भगवान बौद्ध की जीवनी नहीं पढ़ी। अगर भगवान बौद्ध की जीवनी पढ़ी होती तो ऐसा नहीं करते। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सुने आप। देखिए, अभी जैसा कि मुझे मेरी जानकारी में आया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक कार्यक्रम के अंदर लोगों को शपथ दिलाई कि हम हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भगवान बौद्ध जी, जिनको कि हम सब लोग बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। और आप उनका पूरा जीवन अगर आप पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है, अगर उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि गौतम जी ने उनकी जीवनी को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं होगा। अगर बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध जी की जीवनी को उन्होंने पढ़ा होता तो शायद मेरे ख्याल से ये नहीं हुआ। और ये एक राजनीतिक भाषा और एक राजनीतिक स्टंट की तरह उन्होंने बयान दिया है। इसकी जितनी भी आलोचना होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये तो विरोधाभास हो गया ना कि वो अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ही चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कहना कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में, अब उनके यहाँ के जितने भी लोग गए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो है, उस तीर्थ योजना में जितने लोग जाते हैं, एरिया एमएलए के साइन होते हैं। एरिया एमएलए के साइन भी तो गौतम जी ने करे होंगे। उनके यहाँ से भी 48 लोग गए हैं। तो अगर वो नहीं मानते देवी देवताओं को तो उन्होंने क्यों हस्ताक्षर किए, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और इसका जवाब भी उनके पास है। ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, राजनीति करना एक अच्छी बात है, लेकिन राजनीति की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंधन होता है। देवी देवताओं को इस राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ये मेरा मानना है।